एप्पल के आईफोन 15 को लेकर लोगों के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। कलर स्क्रीन कैमरा के साथ ही इसके प्राइस अपडेट को लेकर लोगों के अंदर काफी क्यूरियोसिटी है। ऐसे में हम आपको बताते हैं नए नवेले आईफोन 15 के बारे में। मैक रूमर्स की रिपोर्ट की माने तो एप्पल आईफोन के बैक पैनल को लेकर शायद निराश कर सकती है। शायद एप्पल एक बार फिर आईफोन 14 वाला बैक पैनल ही आईफोन 15 में कैरी आउट कर दे, लेकिन हाँ, रियर पैनल में फ्रॉस्टेड ग्लास देखने को मिल सकता है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि इस ग्लास का रेगुलर इस्तेमाल कंपनी सिर्फ प्रो मॉडल्स में किया करती है। अगर आईफोन 15 के फ्रेम के बारे में बात करें तो रेगुलर आईफोन 15 का फ्रेम एल्यूमिनियम का देखने को मिल सकता है और साइलेंट बटन लेफ्ट साइड भी हो सकता है। अब आपको आईफोन के साइज के बारे में बताते हैं। आईफोन 15 फोन में 6.1 इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इसमें 2532x1170 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन दिया जा सकता है। कंपनी अब की बार इसमें डायनामिक आइलैंड का फीचर दे सकती है, जबकि पिछली सीरीज में केवल प्रो मॉडल्स में फीचर देखने को मिला था। आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस में f1.6 अपर्चर वाला 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देखने को मिल सकता है। साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी हो सकता है, जिसमें f2.4 अपर्चर होगा। डायनामिक आइसलैंड में मिलने वाला फ्रंट कैमरा सेल का बताया जा रहा है। आईफोन 15 में 3877 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जबकि आईफोन 15 प्लस में 4912 mAh की बैटरी दी जा सकती है। इस सीरीज के साथ कंपनी फोन में USB-C चार्जिंग पोर्ट शामिल करने जा रही है। कंपनी बॉक्स में USB-C to USB-C केबल दे सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आईफोन 15 का प्राइस कितना होगा। आईफोन 15 का प्राइस $799 यानी कि करीब 65,000 रुपए से शुरू हो सकता है। वहीं आईफोन 15 प्लस का प्राइस $899 यानी कि करीब 75,000 रुपए से शुरू हो सकता है। हालांकि ये सभी स्पेसिफिकेशन सभी कंपनी ने रिलीज नहीं किए हैं, लेकिन जो लीक्स हैं उसके मुताबिक ये सभी अंदाजे लगाए गए हैं।